वन पीस एपिसोड नंबर 242 पार्ट वन। हमें दिखाया जाता है कि लूफी पेड़ में बैठा हुआ है, उसके साथ बाकी मेंबर भी हैं, और वो कहता है कि हम इस समय कोई भी रकस काउज नहीं करेंगे जिससे वो लोग हम पे हमला करने लगे। जब वहाँ पे कुछ हमला होगा तब हम वहाँ पे जाएंगे। फिर नामी कहती है, ये बोल कौन रहा है जो भी इस दोपहर में हल्ला करके घुस गया था। सीन गैलीला कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ का हर कोई अच्छे तरह से गार्ड कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी आएगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक पत्ता मूव नहीं करने देंगे। उसके बाद आइसबर्ग जो है कालिफा को कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओगी बाहर और पॉली को अंदर सेंड कर देना। तो फिर वो बाहर जाती है, पॉली को अंदर जाने बोलती है। पॉली उससे कुछ बात करता है जो हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो सीक्रेटली बात करते हैं, बस हमें इमोशन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉली बात करके आ चुका है आइसबर्ग से, और वो अचानक नीचे जाता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, डेस्क हटाता है और खोलता है, वो सब उसको आइसबर्ग कहता है। और वो एक लॉक का कॉम्बिनेशन खोल ही रहा होता है कि हमें सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे रॉबिन उसके साथ और कुछ मेंबर होते हैं, उन्हें सिग्नल दिया जाता है कि बम फोड़ के कि अब टाइम आ चुका है, तुम लोग हमला स्टार्ट कर दो। हमला स्टार्ट हो चुका है, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए जा रहे हैं, और फिर ऊपर जो चार मेंबर था उसमें से दो मेंबर भी नीचे चले गए उन लोगों का मदद करने के लिए। और अब आइसबर्ग को मदद करने के लिए दो बचे हुए, एक बड़ा नाक वाला और एक जिसका वो चुपचाप जो रहता था। उसके बाद निको रॉबिन उसके साथ और दो मेंबर जो हैं बाकी सारा शिप राइट से फाइट कर रहे होते हैं, और फिर वो बम फोड़ते हैं और फिर नीचे जाते हैं। फिर सीन सेट होता है उस पेड़ में, जहाँ पे लूफी और बाकी सब वहाँ पे हैं, और जो तो बोल रहा होता है कि वहाँ बहुत हमला हो रहा है, अब क्या करें हम। तो फिर वो जब नीचे पीछे मुड़ के घूमते कि देखते हैं तो वहाँ पे लूफी है ही नहीं। फिर वो सब शौक हो जाते हैं कि हम लोग प्लान बनाए थे, वो प्लान का क्या हुआ, सब प्लान चौपट कर दिया लूफी। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 242 पार्ट वो टू। हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन और उसके साथ जो मेंबर है एक दीवार के आगे आ चुके हैं, और हर तरह से सिपराइट उसको कॉर्नर कर चुके हैं। वो सब उस पर गोली टाँग देते हैं, फायर करते हैं, पर वो एक लाल कपड़ा उठाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, वो कपड़ा छलनी छलनी हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेंबर जो है वो अपना चाबुक चलाता है और सबको मारता है, वो अचानक हवा में उड़ता है। फिर वो कहती है कि एक लड़का आदमी बोलता है कि वो हवा में उड़ती है, वो सबको देखता है, अरे सच में एकदम मून वॉक करके इधर से उधर उड़ के जा रहा है, सबको मार कुटाई कर रहा है। उसके बाद सीन हमें पॉली में शिफ्ट होता है, जो कि उस लॉक को खोल के अपना एक नक्शा निकालता है, और दो मेंबर आते हैं जो कि कहता है वो हमें चाहिए, हम लोग जो हैं CP9 है। फिर वो हमें CP9 का मतलब समझा, साइफर पोल नंबर 9 अंडर कवर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टीम इंटेलिजेंस एजेंसी। वो कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो तुम्हें पता चल गया आप तुम भी मरोगे, और हमने सारा सिपराइट बाहर वाला सबको टपका डाला है। तो डर जाता है, उसका हाथ कांपता है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है रॉबिन और उसका साथी जो है एक दरवाजे के पीछे जाता है, वो इस तरह से खड़ा होता है, बोलता है रॉबिन थोड़ा ढक लो उनको, वो ढकेलता है और इससे दरवाजा की तरह वो खुलता है और अंदर चले जाता है। फिर वो दरवाजा को उधर सेट कर देता है, और फिर वो बताता है कि उसने डोर डोर फ्रूट खाया था, इसके कारण से वो किसी भी दीवार में जाता है तो उसको दरवाजा की तरह यूज़ कर सकता है। तो फिर आइसबर्ग को पता चल जाता है आखिरकार वो पिछले टाइम हमला जो हुआ था किस तरह से, कोई भी एविडेंस नहीं था, वो इस तरह से ही स्नीक आउट करके अंदर घुसा था। और फिर वो डोर डोर फ्रूट खाने वाला आदमी उसको एक गोली मारता है कंधा में, और वो गिर जाता है। फिर वो बोलता है यार मैंने लूफी को बेकार ही बोल दिया कि उसने मुझे मारा था, लूफी के लिए थोड़ा अफसोस जताता है, लेकिन वो लोग कहता है वो हमारा प्लान था ताकि तुम लोग स्ट्रॉ हैट पायलट पे शक करो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे, यही प्लान था उनका। उनके बाद वो कहता है कि हम जानते थे जब तुम्हारा लाइफ डेंजर में होगा तब तुम अपना जो सीक्रेट वो ब्लूप्रिंट है मैप का तुम ऐसे आदमी को सौंपोगे जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो, और तुम पॉली में ट्रस्ट करके नीचे भेज दिए और हमारा मेम्बर उसे वो लेने के लिए जा चुका होगा। उसके बाद वो जो है वो आदमी वो बाहर जाता है मेम्बर को मारने के लिए कोई इलाका, और कहता है रॉबिन को तुम इसे टपका डालना तक हम उसे संभालते हैं। उसके बाद सीन हमें जोड़ो नामी और चौपड़ में दिखाया जाता है, जो कि दौड़ते दौड़ते गैलीला कंपनी की ओर जाते हैं, और वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग फ्रंट डोर से जाएंगे, क्योंकि लूफी वहाँ फ्रंट डोर से गया होगा तो सारा कंपो उसका पीछा कर रहा होगा, तो फ्रंट डोर खाली होगा। इसी तरह से डिटेल प्लान बनाते हैं और वो जाते हैं, और जब वो जंप करके वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सारा शिप राइट वहीं पे है, कोई कहीं नहीं गया है। ये देख के कहते हैं ये किस तरह का प्लान हमने बना दिया। हमें दिखाया जाता है कि लूफी जो है फ्रंट डोर से ही जाने वाला था,
लेकिन वो दो बिल्डिंग के बीच में पचक जाता है, वो बीच में आके फंस जाता है, उसके बाद वो आगे मूव नहीं कर पाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये एपिसोड किस तरह से आगे बढ़ता है। थैंक यू।